वो दिया जाता है, नहला दिया जाता है पेपर को जी जी, फिर नेक्स्ट डे उसको वर्क किया जाता है उस पर। वाटर कलर का मतलब सिर्फ वाटर ज़्यादा रहता है, कलर कम रहते हैं। और वाटर कलर का मीडियम है लाइट टू डार्क, पहले हमें लाइट करना है फिर डार्क करना है। जिसकी प्रैक्टिस होती है ना उसको कलर्स उठाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसलिए अभी तो आप हैंडमेड शीट ही लीजिए, वो भी हल्की वाली लीजिएगा अभी। हाँ हैंडमेड, ये मोटी है। मूवी बनाने वीडियो ना बना मैम, एक जो वॉचमैन थोड़ा सा ऊपर कर लो, एक कौन सा कलर दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा है। वॉचमैन उस पे यहाँ लिखा होता साइड में जी जी, वही है वाटर कलर में दिखाना। फिलहाल मैंने तो अभी यूज़ नहीं, आई मीन मैंने भी नहीं देखा, यही बना के लाएंगे बताऊंगी। हाँ वॉश पेंटिंग के लिए होता है वो, वॉश पेंटिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो ये इससे होती है वाटर कलर से, वाटर कलर नहीं पोस्टर कलर से होती है। उसको वॉश कर, वॉश पेंटिंग भी आपको सिखा देंगे, उसमें पूरा उसमें कई दिन लगता है, एक पेंटिंग को बनाने में 5-6 दिन लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। उसको पूरा भी वो दिया जाता है, नहला दिया जाता है पेपर को जी जी, फिर नेक्स्ट डे उसको वर्क किया जाता है उस पर।
मेरे जो कैमरा बना है उस पर क्लिक मारो। अब जाके वीडियो बनना शुरू। नहीं 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 यार, उनको पता है इतना वो नहीं। अच्छा मुझको लगा कि अब जाके क्लिक नहीं तो लग सब तुम्हारी तरह नहीं है। किसी किसी पर दिमाग भी होता है। ये तो सोचो क्या गया मैम।